मुंबई से एक मैम अपनी कस्टमर हैं जो अपने से रेगुलर घी मंगवाते रहती हैं, तो उन्होंने परसों मेरे को कॉल किया कि उनको कुछ मेडिसिनल प्लांट चाहिए थे दवाई बनाने के लिए। तो जो पेड़ उन्होंने मेरे को बताया था वो ये पेड़ होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपमार्जक या उल्टा कट्टा, हम भी इसको उल्टा कट्टा ही बोलते हैं। इसको उल्टा कट्टा इसलिए बोलते हैं जैसे ये जो पेड़ होता है ना, ये देखो इसका, ये इसके जो कांटे होते हैं ये उल्टे होते हैं ज़मीन की तरफ। नॉर्मली कांटे तो इस साइड में ऊपर की तरफ होंगे आसमान की तरफ, लेकिन इसमें उल्टा होता है, कांटा ज़मीन की तरफ होता है, तो इसलिए उसको उल्टा कांटा बोला जाता है। और ये पेड़ हमारी तरफ खूब होते हैं, जगह जगह पर खेतों में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये अपना खेत है और ये खेत की मेड़ के किनारे किनारे बहुत ज़्यादा खड़े हैं, ये इधर भी बहुत से पेड़ खड़े हैं इसके, ये देखो। ये काम आता है एक तो प्रेगनेंसी में, और जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है ये अपने जो दांतों की बीमारी होती है, मसूड़ों की बीमारी होती है, उसमें काम में लिया जाता है। जैसे मसूड़ों में कुछ तकलीफ हो, मसूड़ों में खून आना, दर्द होना, दांत में दर्द होना, ऐसी जो बीमारियाँ होती हैं ये उसमें बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट करता है। तो पहले के ज़माने में तो यही काम में लेते थे, आजकल तो डॉक्टरों के पास जाते हैं। पहले तो जो वैद्य होते थे वो इन्हीं जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, तो गांव में भी अब भी नॉर्मली लोग इन्हीं से इलाज करते हैं अपना। तो इसकी जो जड़ होती है वो जड़ काम में ली जाती है, और इसका जो उल्टा कट्टा होता है ये देखो, ये हाथ भी ऐसे चिपक जाता है, तो ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसे नॉर्मली होता है, ये कोई तकलीफ नहीं होती इससे। तो उन मैम को इसकी जड़ चाहिए थी, तो अपन जड़ खोद लेते हैं इसकी। ये ऐसी होती है इसकी जड़, ये देखो, ये रहा इसका पेड़ और ये इसकी जड़। ज़्यादा गहराई तक नहीं होती इसकी जड़, नॉर्मली होती है, तो इसकी दातुन की जाती है ज़्यादातर। तो ये उन मैम का जो उन्होंने दवाई वाई मंगवाई थी वो मेडिसिनल प्लांट, वो मैंने पैक कर दिया, उसके अलावा दो चार ऑर्डर के आइटम थे। और ये जो दो तीन पार्सल हैं ये दिल्ली साइड से, मुंबई साइड से कुछ घी के ऑर्डर हैं, और ये तीन मैंने इसलिए नहीं पैक किए, ये मेरे को लोकल में देने हैं। हमारे पास में एक पिलानी नाम की सिटी है, छोटी छोटी तो नहीं, ठीक ठाक सिटी है, तो एजुकेशन है वो एक तरह से, वो वहाँ पे काफ़ी कॉलेज हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें हैं। तो वहाँ पे एक हैदराबाद से अपने तेजस्वी भाई हैं, वो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने मंगवाया है ये। तो ये तो मेरे को लोकल में देना है, जहाँ सिटी में कुरियर करवाने जाता हूँ उसके पास ही सिटी पड़ती है, अपने घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, तो उनको बाइक पर दे के आना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, राम राम दाऊ, और क्या ढंग है बना दो तो दे गिलासिया।
खुला तो और कैसे हो? देखा है पहली बार जब मिले थे बताया था। 3,000 हो गए आपकी? मैं तो अभी आपकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, मतलब मेरे एक दोस्त को मैं देने वाला हूँ ये। तो आप हैदराबाद के हैं आपका दोस्त? ये इधर का ही है? अच्छा, मतलब बिट्स के अंदर है ये? इधर पिलानी से ही है, बाहर से है? अच्छा, बाहर से किस साइड से? बाहर से दिल्ली के। अच्छा, दिल्ली साइड से है। अच्छा, तो बताया होगा उन्होंने उनको आपने? हाँ, मैंने नहीं बताया नहीं। अच्छा, गिफ्ट ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं उनको एक? हाँ, तभी मैं सोच रहा था इस बार कुछ ज्यादा ही मंगवा रहे हैं, तो पहली बार तो एक एक चीज मंगवाते थे, तो गिफ्ट है उनके लिए। अच्छा, उनके भी डिलीवरी हुई है। अच्छा, दिया तो आप रेगुलर यूज कर रहे हो, कैसी लग रही अपनी क्वालिटी? सही है, मतलब मुझे तो। कितने नंबर दोगे आप 10 में से? 10 में से 10, 10 में से 10। मतलब सुपर क्वालिटी, एकदम प्रीमियम क्वालिटी। हाँ, सही है, 10 में से 10। तो और हमारे लिए कोई सेवा पानी? हनी सिंह भैया 550 का कर दे। तर मिला तो कदे कदे उरे मत भी रखा बराओ तो उरे ही रही रात ने आज घर जा बाइक लेके दिन दिन में मौज है फिर तो क्यों ना बस आपने वही ऑनलाइन सेलिंग वाले काम से गया भाई कितने गिरो हो? राम राम तो बोलो ले